तिकुनिया पुलिस का कारनामा। पिछले 19 मई को 50,000 रुपए रिश्वत नहीं देने से खफा कोतवाल द्वारा अकारण सीज की गई ट्रक के मालिक ने कस्टम अधीक्षक से लगाई अपना ट्रक में लदे माल के खराब होने की गुहार। जनपद लखीमपुर खीरी की इंडो नेपाल सीमा से सटे कोतवाली तिकुनिया के कोतवाल द्वारा गत 19 मई को 50,000 रुपए रिश्वत नहीं देने से नाराज होकर एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी का बैगास से बने कोयले का ट्रक जबरन सीज कर दिया गया था, जिसे व्यापारी द्वारा कोर्ट से जब रिलीज कराया गया तब ट्रक में लदा कोयला खराब हो चुका था। व्यापारी ने स्थानीय कस्टम अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर अपने माल के खराब हो जाने की स्थिति में 1,03,000 रुपए मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहना है पीड़ित व्यापारी गगन कुमार का। इस तारीख की है जब मेरे द्वारा बैगास पैलेट का निर्यात जिसका जिसकी कीमत 1,03,000 रुपए थी, उसे मैंने नेपाल निर्यात किया। कोतवाल के द्वारा इससे पहले मुझे फ़ोन द्वारा और खाने में बुलाकर 50,000 रुपए काम करने के लिए 50,000 रुपए की डिमांड की गई, जिससे मैंने असमर्थता दिखाई। उसके पश्चात 19 तारीख को जब मैंने माल निर्यात किया तो कोतवाल द्वारा बनवीरपुर से गाड़ी के पेपर मांगे गए, माल के पेपर मांगे गए। पेपर देने पर वो फाइल कोतवाल ने अपनी गाड़ी में रखकर और ड्राइवर को गालियाँ दी और ज़बरदस्ती लेके थाने में सीज कर दिया। पेपर मुझे सुबह 11 बजे दीवान ने दिए सभी। रात में ही मैंने सूचना कप्तान साहब को शाम को ही दे दी थी। CO साहब तुरंत आगे मेरा लिखित बयान लेके गए। सुबह उन्होंने अपने ऑफिस में मेरा बयान लिया। एडिशनल साहब भी कुछ दिनों बाद आए, 3 दिन के बाद लगभग मेरा लिखित बयान लेके गए, जिसमें मैंने पूरा अपना ब्यौरा दिया। मेरा माल लगभग 10 दिन तक गाड़ी कोतवाली के खड़ी रहने के कारण आंधी और पानी से मेरा माल खराब हो गया है, और जिसे जो निर्यात योग्य नहीं रहा उसे खाली करना पड़ा, जिसकी कीमत 1,03,000 रुपये है। मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से यही निवेदन है कि मुझे कृपया न्याय दें। आज के समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS Live।